हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का नेक्स्ट टॉपिक, स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग क्या होती है, कैसे ही वर्क परफॉर्म करता है। जब आप सिग्नल सेंड करते हैं या कोई डेटा आप सेंड करें तो डिफरेंट फॉर्मेट में वो सेंड होता है, एंड देन रिसीविंग एंड पे वो डेटा एक्सेप्ट होगा। कैसे वो एक्सेप्ट होगा, पैकेट कैसे सेंड होंगे, वो सारा आपका स्विचिंग के थ्रू ही होता है। तो इन लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक लार्ज नेटवर्क है तो उसमें आपका सेंडर एंड रिसीवर की तरफ अगर डेटा सेंड एंड रिसीव करना है तो उसके पास बहुत सारे पाथ हैं डेटा को सेंड करने के, एंड रिसीवर एंड पे वो डेटा आपका रिसीवर को सेंड होता है। तो वो जो पाथ होता है वो पाथ डिसाइड होता है आपका स्विचिंग टेक्निक के थ्रू। सो द स्विचिंग टेक्निक विल डिसाइड द बेस्ट रूट फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। स्विचिंग टेक्निक के थ्रू आपका एक बेस्ट रूट आपको मिलेगा जिसके थ्रू आपका डेटा जो है वो सेंड होगा। अब वो बेस्ट रूट आपका इजीली सेंड हो जाए, यानी एक बेस्ट वे में आपका सेंड हो, टाइम कम लगे आपका, एंड उसमें जो भी प्रोसेसिंग है वो बहुत इजी वे में हो जाए, तो उसको डिफाइन करने के लिए आप स्विचिंग टेक्निक को यूज करते हैं। स्विचिंग टेक्निक इज यूज टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। मतलब इसमें आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा सेंडर रिसीवर के बीच में वो वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। वो कैसे होगा, वो आपका स्विचिंग टेक्निक के थ्रू ही परफॉर्म होता है। अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचिंग टेक्निक की बात करते हैं तो आपके तीन टाइप की स्विचिंग टेक्निक होती हैं, सर्किट स्विच, मैसेज स्विच एंड पैकेट स्विच। सर्किट स्विच भी आपका सब पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका स्पेस डिवीजन स्विचिंग एंड दूसरा होता है टाइम डिवीजन स्विचिंग। एंड जो मैसेज स्विच होता है आपका, नेक्स्ट आपका मैसेज स्विचिंग होती है, एंड देन आपकी होती है पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग भी आपकी सब पार्ट में डिवाइड होती है। डेटाग्राम अप्रोच होती है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच होती है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच फिर से आपका डिवाइड होता है, स्विच वर्चुअल सर्किट होता है, एक परमानेंट वर्चुअल सर्किट होता है पीवीसी। तो ये सारी आपकी स्विचिंग की टेक्निक है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे सर्किट स्विच, मैसेज स्विच एंड पैकेट स्विच। तो आज के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे आपकी सर्किट स्विच को। अब सर्किट स्विच की हम लोग बात करते हैं तो सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन दी सेंडर एंड रिसीवर। इसमें पहले से ही एक पाथ आपका फिक्स हो जाता है कि इसी पाथ से आपको डेटा जो है वो सेंड करना है, यानी एक डेडिकेटेड पाथ आपका जनरेट हो जाएगा जिसके थ्रू आपका सेंडर से रिसीवर की तरफ आपको डेटा सेंड करना है। इन सर्किट स्विचिंग टेक्निक वंस द कनेक्शन एस्टेब्लिश देन द डेडिकेटेड पाथ विल बी रिमेन इन एग्जिस्टिंग अंटिल द, मतलब जैसे ही आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा सेंडर रिसीवर के बीच में तो एक डेडिकेटेड पाथ आपका इस्टेब्लिश हो जाता है जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर डायग्राम की बात करेंगे, देखिए ये आपका सर्किट स्विचिंग का डायग्राम है। इसमें जब आप डेटा सेंड करेंगे तो ये आपका सेंडर है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंडर, एंड ये आपका रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर की तरफ आपको डेटा सेंड करने के डिफरेंट पाथ हैं। एक पाथ आपका ये है, एक पाथ आपका ये है, एक पाथ आपका ये है, यहां से चले जाएं आप, एक पाथ आपका ये है। तो आपका सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा सेंड करने के मल्टीपल पाथ हैं। बट इन सर्किट स्विचिंग में आपका एक पाथ आप पहले से ही डिसाइड कर, एक डेडिकेटेड पाथ आप बना देते हैं। तो जैसे ही सेंडर रिसीवर कनेक्ट हुए तो हमने एक डेडिकेटेड पाथ यहां पर बना दिया है कि ये पाथ के थ्रू आप डेटा क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो जो भी मैसेज आपका होगा वो इसी पाथ के थ्रू आपका सेंड होगा। तो ये सर्किट स्विचिंग का आपका प्रोसेस होता है। अब अगर आप पॉइंट की बात करें तो पॉइंट देखिए, सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क ऑपरेशन इन दी सिमिलर वे टू टेलीफोन। जैसे आपका टेलीफोन में एक ही नेटवर्क पे आपका वर्क करेगा तो वही आपका प्रोसेस है। कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपका एंड टू एंड पाथ एस्टेब्लिश होगा जिसके थ्रू आप सेंड करेंगे डेटा को। इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग टेक्निक व्हेन एनी यूजर वांट टू सेंड द डेटा, आपका कोई भी सेंडर है वो वीडियो ऑडियो आपका सेंड कर रहा है, रिक्वेस्टेड सिग्नल इज सेंड टू रिसीविंग, देन द रिसीवर सेंड बैक द, जैसे रिसीवर को वो सिग्नल मिल जाएगा तो रिसीवर को एक एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करना है सेंडर को कि मुझे डेटा मिल सकता है, मेरे बीच में इस्टेब्लिश हो चुका है कनेक्शन। देन उसके बाद सेंडर जो है वो प्रॉपर जो आपका डेटा है वो सेंड करना स्टार्ट करता है। यानी पहले तो एक नेटवर्क क्रिएट होगा, नेटवर्क क्रिएट हुआ उनके दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, उसके बाद आपका डेटा सेंड होना स्टार्ट होगा। सर्किट स्विचिंग इज यूज इन अ पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, इट इज यूज फॉर द वॉइस ट्रांसमिशन। वॉइस ट्रांसमिशन में जब आपका पहले आपका नेटवर्क, देखिए आपकी मोबाइल फोन से जब आप कनेक्ट करते हैं दूसरे मोबाइल फोन को तो पहले रिंगिंग जाती है, जैसी रिंग जाती है तो आपको वहां से रिसीव होता है डेटा, तो यानी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया है, देन आप
टॉक करना स्टार्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस आपका ये इसमें होता है। फिक्स डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट ए टाइम इन सर्किट स्विच टेक्निक। सर्किट स्विच टेक्निक में आपका फिक्स डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। कम्युनिकेशन थ्रू सर्किट हैज थ्री फेसेस। इसके तीन फेसेस आपके होते हैं। पहले सर्किट एस्टेब्लिश होता है, एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर, देन सर्किट डिस्कनेक्टर। उसके बाद आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को। इसके बाद आपकी दो टाइप की आपकी टेक्निक होती है। इसमें स्पेस डिवीजन स्विचिंग होती है और दूसरी आपकी होती है टाइम डिवीजन। स्पेस डिवीजन स्विचिंग इज अ सर्किट स्विचिंग टेक्निक इन विच द सिग्नल ट्रांसमिटेड पाथ इज अकम्प्लिश एज अ स्विच बाय यूजिंग अ फिजिकल। मतलब इसमें एक फिजिकल सेपरेट सेट ऑफ क्रॉस पाथ आपका क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू आपका डेटा जो होगा वो सेंड होगा, यानी फिजिकल पाथ आपका बन जाएगा। फिजिकल मतलब वायर के थ्रू आप क्रिएट कर दीजिए एक पाथ जिसके थ्रू आप डेटा सेंड करेंगे। स्पेस डिवीजन स्विच कैन बी अचीव बाय द यूजिंग क्रॉस बार स्विच। इसमें क्रॉस बार स्विच आपका लगता है जिसके थ्रू आपका जो पाथ है वो एस्टेब्लिश होगा। अ क्रॉस बार स्विच इज अ मेटलिक क्रॉस पॉइंट। एक मेटलिक क्रॉस पॉइंट होता है और सेमीकंडक्टर गेट हो सकता है जिसके थ्रू आप एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन। स्पेस डिवीजन स्विचिंग हैज अ हाई स्पीड। इसकी स्पीड जो होती है हाई स्पीड होती है। एंड नॉन ब्लॉकिंग स्विच भी हम लोग इसको बोलते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड होता है। एंड स्पेस डिवीजन हैज अ क्रॉस बार स्विचिंग एंड मल्टी स्टेज स्विचिंग इसमें यूज होती है। आपकी दो टेक्निक, जैसे ये देखिए आपके यहाँ पर थ्री टाइप के इनपुट आप दे रहे हैं। पहले इनपुट से आपका आउटपुट जनरेट हुआ है सेकेंड वाला, दूसरे इनपुट से आपका जनरेट हुआ है आउटपुट एज अ आउटपुट वन, एंड तीसरे से जब आप इसको क्रॉस टॉल करेंगे तो इनपुट वन से आपका आउटपुट टू जनरेट हुआ है, इनपुट टू से आपका आउटपुट वन जनरेट हुआ है, और इनपुट थ्री से आपका आउटपुट थ्री जनरेट हुआ है। तो ये आपका क्रॉस टॉल की कंडीशन है कि क्रॉस हो रही है वायर है जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड हो रहा है। टाइम डिवीजन स्विचिंग में, टाइम डिवीजन स्विचिंग कम्स अंडर द डिजिटल स्विचिंग टेक्निक। ये एक डिजिटल स्विचिंग टेक्निक होता है जिसमें 0101 के फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल व्हेन द रिसीविंग एंड रीट्रांसमिटेड इन डिफरेंट टाइम स्लॉट। इसमें आपका सेंड करना है डेटा तो डिफरेंट टाइम स्लॉट आप अलॉट कर देंगे डिफरेंट डिवाइसेस को और उसके थ्रू आपका डेटा सेंड होगा। देखिए ये टर्मिनल वन है जिससे डेटा सेंड करना है और ये आपके डिफरेंट स्विच यहाँ पर लगे हुए हैं। टाइम के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड किया है कि इस टाइम पर ये वाला एक्टिव होगा, फिर ये इस टाइप से आपका एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और जिसके थ्रू आप डेटा सेंड करेंगे। तो ये पूरा आपका प्रोसेस था सर्किट स्विचिंग का। सर्किट स्विचिंग का मेन जो डायग्राम है वो आपका ये रहेगा कि एक डेडिकेटेड पाथ आपका क्रिएट हो जाता है, उसी पाथ से आप डेटा क्या करते हैं सेंड करते हैं। तो ये थी आपकी सर्किट स्विचिंग की टेक्निक। सर्किट स्विचिंग आपका हो चुका है स्पेस एंड टाइम डिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैसेज स्विचिंग को। थैंक यू स्टूडेंट।